जिंदगी में समस्या तो हर दिन रोज नई खड़ी है, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ज़रा सा हाइपोटेंशन हो गया था, ज़रा सा बीपी लो होने की वजह से, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ, आपकी झांसी की रानी इज़ बैक। तो चलिए आज तो सवाल मुझे भी सरकार से पूछना है। योगी जी क्या चल रहा है कानपुर में? 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं, मीडिया से भी पूछ रही हूँ, तबलीगी जमात पे तो बड़ा हल्ला मचाया था। 57 लड़कियां कानपुर के बालिका गृह में कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं, जबकि प्रशासन को आदेश था कि वहां पर उनकी जांच कराई जाए, फिर भी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, 57 लड़कियों में से 2 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं और वो भी 7 to 8 months। विश्वास कर सकते हैं आप? शर्म आती है? बस पूछ रही हूँ, आती है क्या? मतलब बड़ा चूड़ियाँ उड़ियाँ भेजने का शौक था स्मृति रानी जी को, अभी कहाँ हैं आप? चूड़ियाँ भेज रही हैं क्या? मतलब मैं पूछ रही हूँ, जस्ट जनरल नॉलेज। और उसमें से एक लड़की HIV पॉजिटिव भी है, ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि ये 57 लड़कियां हैं कोरोना पॉजिटिव हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, इनके साथ लगातार रेप हुआ है, जिसके लिए कि आवाज़ कोई नहीं उठा रहा, उठाएगा कैसे? आपके पार्लियामेंट में, आपके विधानसभा में महिलाएं हैं ही कितनी प्रतिशत? अभी तक 30% महिलाओं का जो बिल है वो तो पास कर नहीं सके हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो पास कर देंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी ना, क्योंकि हम महिलाओं की बात है तो उसको दबा के रखा गया है। कि आपको पता है कि जो फीमेल्स हैं वो टोटल पॉपुलेशन उनकी इंडिया में 48.06% है, 48.06%, और जो मेल है उनका, उनकी पॉपुलेशन 51.096% है। मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ बता रही हूँ। और इतनी बड़ी आबादी को पार्लियामेंट में, जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं और रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, वहाँ पे 48.06% आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9% महिलाएं हैं, ओनली 9%। तो कैसे इस पर होगा, कैसे इस पर विचार होगा, ये कैसे रेप की चीजें थमेंगी? अभी चूड़ियां नहीं दिखाई पड़ रही स्मृति रानी को, कहाँ है? चिल्लाइए ना, चिल्लाइए, जवाब दीजिए, क्या चल रहा है कानपुर में, योगी जी से पूछिए। हाँ बच्चे ठीक हो तुम? तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? अभी पूछिए। 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हैं, अब क्या मीडिया हल्ला नहीं मचाएंगी? इस पर गाइए गाना एक सुर में, अब बुरा नहीं लग रहा आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए, इतनी छिछलेदरी बस पैदा ही क्यों कर